हेलो स्टूडेंट्स, शुरू ही मैं यहाँ से कर रही हूँ कि आपको पहला काम ये करना है कि हॉल टिकट आपका पहले चेक करना है आपको। अभी ये मीटिंग खत्म होते होने से ही के साथ आपको हॉल टिकट आपका लेना है। हॉल टिकट पे आपका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट क्रॉस वेरीफाई करना है आपके एग्जाम टाइम टेबल के साथ, और एग्जाम टाइम टेबल पे आपका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम और डेट चेक करना है। क्योंकि FY BCom के एग्जाम्स में मैंने बच्चों का जो प्रॉब्लम्स हुए मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के टाइम बिल्कुल चेक नहीं करते हैं हॉल टिकट पे और आपके टाइम टेबल पे। आप लोग जो बैकलॉग के एग्जाम्स है वो रेगुलर वाले अपियर करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से आपका PRN लॉगिन नहीं होता है और फिर आप लोगों के बार बार मैसेजेस आते हैं कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। सो प्लीज आप लोगों ने पहले हॉल टिकट चेक करना है, आपका सब्जेक्ट कोड चेक करना है और उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल चेक करना है प्रॉपरली। दूसरी बात, आप लोगों ने आपके हॉल टिकट पे, मैं आपको हॉल टिकट देखने का तरीका बताती हूँ। आप जब हॉल टिकट पर देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट के सामने I फॉर इंटरनल लिखा हुआ होता है, E फॉर एक्सटर्नल और P फॉर प्रैक्टिकल। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे I लिखा हुआ है इंटरनल, तो इसका मतलब ये आपका इंटरनल कॉलेज लेवल पे होने वाला है, या आपको आपके सब्जेक्ट टीचर को कांटेक्ट करना है। E है एक्सटर्नल, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है आपकी। बहुत से बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के हॉल टिकट में सिर्फ इंटरनल बैकलॉग होता है और वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, वो लॉगिन नहीं कर सकते। अगर सिर्फ उनका इंटरनल बैकलॉग है तो उनका लॉगिन नहीं होगा, वो एग्जाम आपका कॉलेज लेवल पे होगा। आपको सब्जेक्ट टीचर से कॉन्टेक्ट करना है इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल अगर है ई है तो वो आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको एग्जाम देना है, और पी फॉर प्रैक्टिकल वो भी आपको यूनिवर्सिटी आपके टीचर्स है उनसे कांटेक्ट करना है प्रैक्टिकल के लिए, वो भी आपका कॉलेज लेवल पे होगा। उसके बाद है, आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स डाले हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वो आपको जो आपने सब्जेक्ट फॉर्म में डाले हैं वही आपके हॉल टिकट पे आएंगे, इसलिए आपको हॉल टिकट पे फिर से बोलनी आपको चेक करना है। क्योंकि लॉग इन करते वक्त एग्जाम का आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके लॉग इन में वही सब्जेक्ट्स ओपन होंगे जो आपने एग्जाम फॉर्म में डाले हैं और वो जो सब्जेक्ट आपके हॉल टिकट में है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि आज मार्केटिंग का पेपर है मैडम, लॉग इन नहीं हो रहा है, और जब हॉल टिकट देखते हैं तो उनके इसमें वो पेपर है ही नहीं मार्केटिंग का, वो बैंकिंग अपियर कर रहे। तो इसलिए प्लीज आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को टाइम टेबल और हॉल टिकट बहुत अच्छे से चेक करना है। उसके बाद है यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका मॉक टेस्ट के वक्त आपके मेल पे जो यूजर आईडी पासवर्ड आया है वो आपको देखना है। वही यूजर आईडी और पासवर्ड अभी मेन एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए यूज होगा। आपके मेल पे यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो मेल सबमिट किए थे फॉर्म पे वही मेल उसी मेल पे आएगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका फोन नंबर जो आपने एग्जाम फॉर्म पे सबमिट किए थे वो उस पे आएगा, वो मोबाइल नंबर पे आपको SMS आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका, उसमें आपको आप लोगों को एक मैसेज सेव किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। थर्ड जो है आपको आपके एग्जाम फॉर्म लॉगिन है जिसपे आपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त लॉगिन किए थे यूजर आईडी पासवर्ड आधार नंबर डाल के, उसका ये जो है मैं वेबसाइट जो एड्रेस है वो आपको देती हूँ, sim.unipune.ac.in। आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है वो, /sim_app/login/login। ये जो है इसके ऊपर जाके आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। वो डैशबोर्ड पे आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड और एग्जाम की लिंक तीनों चीज मिलेंगी। ये भी ना आपसे नहीं हो सका तो चौथा ये है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले मुझे कॉल करना है कि यूजर आईडी पासवर्ड हमारा नहीं रिकवर हो रहा है और यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए एग्जाम का, तो वो मैं आपको दूंगी। लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि कुछ बच्चों का मैंने ऐसे भी देखी हूँ, अभी एग्जाम को 10 मिनट बाकी है और वो अभी कॉल करते हैं
मैं सब बच्चों को एक साथ नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं और बहुत सारे कॉल्स रहते हैं। आप एक दिन पहले देखो आपको यूजर आईडी पासवर्ड आया है या नहीं, आपको आपका एग्जाम लिंक है या नहीं, आपने टाइम पे कॉल नहीं करना है। मैं आपको सबको हेल्प नहीं कर सकती है एट द मोमेंट, इसलिए प्लीज एक दिन पहले आप लोग आपका यूजर आईडी पासवर्ड देख लो और आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक दिन पहले ही मुझे कॉल करके पूछ लो। आपको एक हेल्पलाइन नंबर देती हूँ, प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए 0207153020200। इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है या मुझसे कांटेक्ट नहीं होता है या मेरे लेवल पे नहीं सॉल्व होता है तो आपको यूनिवर्सिटी कॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर पुणे यूनिवर्सिटी का है, ये जो आपके जो टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज है वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। और एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड जो मॉक टेस्ट के लिए हुआ है आपके पास, वही यूज होगा फाइनल एग्जाम के लिए। यूजर आईडी पासवर्ड बार बार चेंज नहीं होता है। आपका यूजर आईडी असल में क्या है, आपका पीआरएन नंबर है, जो आपके हॉल टिकट पे पीआरएन नंबर है वो आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है 4 डिजिट्स। आपको जो मेल पे और आपके लॉगिन में आया है वो है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सीट नंबर चाहिए, सीट नंबर आपको कोई जरूरत नहीं है सीट नंबर की, आपके ऑनलाइन एग्जाम में सीट नंबर की कोई जरूरत नहीं है, वो यूज नहीं होता है। सिर्फ आपको रिजल्ट देखने के लिए सीट नंबर चाहिए, वो भी ऑनलाइन। आप लोगों के मेल पे, मैक्सिमम बच्चों के मेल पे हमने कॉलेज की तरफ से इंडिविजुअली हॉल टिकट्स भेजे हैं, प्लीज आप लोग चेक करो। कुछ 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉल टिकट्स नहीं मिले हैं या जिनके ईमेल आईडी चेंज हुए हैं, उनको भी हमने इंडिविजुअल देने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हॉल टिकट फिर भी नहीं मिला तो आप आपके टीचर से या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपका हॉल टिकट मिल जाएगा। एग्जाम टाइम आपका 2 घंटे हॉल टिकट, आपके जो टाइम टेबल है उसमें 2 आवर्स दिखाता है, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो एग्जाम टाइम आपका 1 ही घंटा है। 2 घंटे आपको लाइट शट डाउन होती है या नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो कंटिन्यू करने के लिए है। अगर आपका एग्जाम टाइम 9 से 11 है तो आपने 9 बजे अगर लॉग इन किए तो 10 बजे वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको 2 घंटे नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चों का ये गलत फहमी है कि 2 घंटे का एग्जाम है, सो प्लीज 9 से आपका 10 या 10 से 11 या आप 10:30 को लॉगिन करते हैं तो 11:30 ऐसा चलेगा। वो आप जब लॉगिन करते हैं उसके 1 घंटे बाद आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है एग्जाम। सो प्लीज आप लोग इतना ध्यान रखिए। आपको ये जो वेबसाइट है एग्जाम के लिए, बहुत से लास्ट टाइम मुझे वो भी कॉल आए, आपको ग्रुप में कोई लिंक नहीं आएगी। जैसा आपको इंटरनल के वक्त होता था लिंक कॉलेज की तरफ से इसमें आती थी, ग्रुप पे आती थी और आप लोग एग्जाम देते थे, बहुत से बच्चे वेट करते रह जाते कि कोई लिंक आएगी। आपको कॉलेज की तरफ से कोई लिंक नहीं आएगी, आपको खुद वो लिंक पे जाके क्लिक करके उस टाइम में जब आपका एग्जाम है आपको एग्जाम देना है। आप लोग ये लिंक लिख लीजिए sppuexam.in, इस पे आपको जाके क्लिक करके आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और फिर एग्जाम कंटिन्यू करना है। आपको एग्जाम कंटिन्यू, जब आप एग्जाम इस लिंक पे जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको मैं कि क्या होगा। आप जैसे इस पे इंटर करेंगे तो आपका वो पहले पीआरएन नंबर पूछेगा, मींस यूजर आईडी एंड 4 डिजिट पासवर्ड जो आपने आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है पासवर्ड, वो 4 डिजिट पासवर्ड, वो सीट नंबर नहीं है, वो अलग पासवर्ड है, ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद वो आपको देगा सेलेक्ट टेस्ट बाय चूजिंग फैकल्टी, उसके बाद सेलेक्ट कोर्स ऑब्लिक प्रोग्राम, देन सेलेक्ट नेम। आपको प्रॉपरली आपका सब्जेक्ट कोड और आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉग इन नहीं होता है। आप दूसरा कोई सब्जेक्ट में जाके लॉग इन करेंगे तो वो नहीं होगा। बहुत सारे वक्त क्या होता है, बच्चे पैनिक होते हैं, बच्चे टेंशन में होते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट वो लोग लॉग इन करके और पीआरएन नंबर डालने की वहां कोशिश करते हैं, उस वक्त वो होगा नहीं।
कूल माइंड से आपको वो देखना है, आपका फैकल्टी चेक करनी है, आपका कोर्स चेक करना है, आपका सब्जेक्ट कोड चेक करके फिर लॉग इन करना है। उसके बाद आप जब शुरू करते हैं तो वो आपको लॉग इन करने के बाद आपको कैप्चर फोटो पे आपको क्लिक करना होता है, वो आपका फोटो कैप्चर करता है, ये भी आपको ही करना पड़ता है। उसके बाद आपका एग्जाम आगे बढ़ता है। बहुत से वक्त क्या होता है कि आपने वेबकैम के सेटिंग्स में उसको परमिशन नहीं दी हुई होती है, वो आपको परमिशन पहले से ही दे के रखनी है जब वो वेबकैम पे आपका फोटो कैप्चर होता है और आपका टेस्ट आगे बढ़ता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे वहीं पे अटक जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा है, और इसके बावजूद आपका सब्जेक्ट कोड सही है, आपका वेबकैम का सेटिंग सब सब सही है, फिर भी अगर आपका वो पीआरएन नहीं लेता है तो आपके वो टेस्ट में नीचे ट्रबल लॉग इन करके एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके वो जो क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर आप लोग प्रोवाइड करो, आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में पूछा है वो डालो, उसके बाद वो आपको परमिशन देता है, वो आपको बताता है कि कैसे इन अंदर लॉग इन करना है। और इसके बाद भी नहीं होता है तो आपको जो लॉगिन नंबर मैंने दिया है, आपको जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे आपको कॉल करना है। इसके बाद फोटो आपका जो क्लिक होगा उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होगा। हाँ, आप लोग जब टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके ऑप्शंस आते हैं, आपको क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी पे क्लिक नहीं करना है, उसके सामने जो गोल है उसके अंदर क्लिक करके वो जो डार्क होता है वो देखना है। लास्ट टाइम मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी मैसेजेस आए, वो बोल रहे थे कि हमने पूरा टेस्ट दिए, पूरा अपियर किए, लेकिन फिर भी जीरो आ रहा है स्कोर। उसकी वजह यह है कि आप लोग जब क्लिक करते हैं तो प्रॉपरली क्लिक कीजिए ए बी सी डी जो है वो देख के, नहीं तो आपके जो स्कोर है वो नहीं आएंगे और एबसेंट आता है उसमें। हाँ, कैमरे के सामने से जब आप लोग इन होते हैं एग्जाम में तो कैमरे के सामने से आपको बार बार हटना नहीं है, बिल्कुल हिलना नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है आपका पुणे यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, आपका एग्जाम का सॉफ्टवेयर। आप अगर बार बार उससे हटते हैं या आपके जो रूम में लाइट कम है या आपका चेहरा वो कैमरे पे नजर नहीं आता है तो वो कॉपी केस में आपके केसेस डालते हैं। सो प्लीज केयरफुल रहो और कोई मतलब ऐसी एक्टिविटीज मत करो जिससे कॉपी केस हो, क्योंकि अभी न्यूज है बहुत सारे बच्चों के कॉपी केसेस हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में भी पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस भी आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आपको देखना है वो तो देख लीजिए कि हाउ टू गिव ऑनलाइन एग्जाम्स। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज रहना जरूरी है, इसलिए प्लीज स्टडी कीजिए, स्टडी के बिना एमसीक्यूज नहीं दे सकते आप लोग। हाँ, एग्जाम का जो है आप लोग जब क्लिक करते हैं तो ये भी मुझे प्रॉब्लम्स बच्चों के से मालूम पड़े कि आप लोग जब नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो गलती से बहुत से बच्चों ने सबमिट पे क्लिक किया है, इसलिए जब आप लोग क्लिक करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रह के क्लिक कीजिए, क्योंकि वो सबमिट पे अगर क्लिक हो गया तो आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर पुणे यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, इसका कॉलेज लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपका एग्जाम सबमिट हो गया तो। हाँ, ग्रीवेंसेस में आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम एक बार सबमिट होने के बाद ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम, इसलिए आप जब एग्जाम देते हैं तो प्लीज देख के क्लिक करो। एग्जाम खत्म होने पे सक्सेसफुली का सबमिट, आपका जो एग्जाम सक्सेसफुल जो सबमिट रहता है उसका यह आता है, वो देख लीजिए आप, सक्सेसफुली सबमिट आना चाहिए। नेटवर्क इशू जहाँ है घर में वहां पे मत बैठो आप लोग, नेटवर्क इशू उसकी वजह से भी बहुत सारे एग्जाम्स पूरे नहीं हो पाते हैं। और आपका जो ब्राउजर है फोन का या लैपटॉप का वो अपडेटेड होना चाहिए, अगर वो भी अपडेटेड नहीं है तो भी एग्जाम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हाउ टू सबमिट ग्रीवेंसेस जो आपको दिया हुआ है आपके ग्रुप में, फिर भी मैं एक बार आपको बोलती हूँ, उसकी वेबसाइट है sim.unipune.ac.in/sim_app/login/login। इस पे आपको आपके ग्रीवेंसेस डालने हैं,
एग्जाम फॉर्म और लॉगिन में जाके अगर आपको ग्रीवेंसेस कैसे डालने हैं, आपने जो एग्जाम फॉर्म फिल किए थे पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, एग्जाम फॉर्म लॉगिन, उसको लॉगिन करना है। आपके डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दिखता है आपको, तकरार नोंदनी। उस तकरार नोंदनी पे आपको जाके क्लिक करना है। उसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रीवेंसेस डालने हैं। आज अगर आपका एग्जाम हो गया तो 24 घंटे के बाद आपको वो उसका कंप्लेंट लॉन्च करनी होती है कि ये मेरा प्रॉब्लम था, मेरा गलती से सबमिट हो गया, या मेरा लॉगिन नहीं हुआ, या जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ ऑप्शंस ऑलरेडी है। उसके अलावा भी आप अपने कंप्लेंट्स डाल सकते हैं ग्रीवेंसेज में। लास्ट में आपका रिजल्ट स्कोर के लिए भी आप लोगों को, आप जब आज एग्जाम देते हैं तो उसके 48 आवर्स में आप लोगों को स्कोर आप चेक कर सकते हैं, आपने कितने स्कोर किए। तो उसके लिए भी लिंक आपके लिए दी हुई है आप लोगों के इसमें ग्रुप में। फिर भी मैं एक बार शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, PIEXAM exam result.unipune.ac.in। उस पर जाके आपको PRN नंबर आपका डालना है और वो जो कैप्चा दिया होता है वो डालना है। तो उसके बाद आपको 48 आवर्स के बाद आपका स्कोर जो है एग्जाम का वो मालूम होगा। कॉलेज की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बच्चे को इंडिविजुअल हमने हमारे लेवल पे हॉल टिकट्स पूरे डाले हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त भी हमने एग्जाम डिपार्टमेंट से ईच एंड एवरी बच्चे को पर्सनली SMS और मैसेजेस किए हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम डिपार्टमेंट हमेशा, हम लोग हमेशा आप लोगों को कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल सर, एग्जाम के CEO, आपके टीचर्स और एग्जाम डिपार्टमेंट हमेशा आप लोगों के हेल्प के लिए रेडी है। बस मैं इतना ही कहूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सर बोल दी मैंने सब इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, थैंक यू मैडम। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना अपना, तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। हाँ, टाइम टेबल आपका हॉल टिकट पे नहीं है लेकिन अलग से टाइम टेबल आया है, हम लोग एक बार आज और शेयर करेंगे आपको। एग्जाम की लिंक हम लोग शेयर कर दिए ग्रुप पे, एक बार ऑफर शेयर करते हैं, ठीक है? आपको एग्जाम का लिंक आने वाला नहीं है, आपको वो लिंक के ऊपर जाके आपका यूजर आईडी पासवर्ड, जैसा मॉक एग्जाम हुआ था आपका वैसे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक पेपर एमसीक्यू होने वाले, एमसीक्यू कल आप लोगों को जो मैसेज आया एग्जाम के बारे में जो पोस्टपोन होने वाला है वो सिर्फ ईवीएस के बारे में, ठीक है? मैडम बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि रिस्टार्ट कर सकते हैं क्या? कुछ क्वेश्चंस आए मैडम इधर, नाजिम मैडम को अनम्यूट मत कीजिए, आपका म्यूट वापस में करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आपका अनम्यूट रहेगा ना मैडम।
हाँ बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है सर? टाइम टेबल का है कि हॉल टिकट पे नहीं, तो मैंने बोल दिया कि टाइम टेबल हम लोग शेयर कर देंगे, और कुछ हाँ लोगों टाइम को। टेबल, जी जी बोलिए। टाइम टेबल अलग है आपका, आप वेबसाइट पे है, पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे unipune.ac.in, उस पे स्टूडेंट सेक्शन में आपको टाइम टेबल मिलेगा, आप प्लीज वहां से देख लीजिए टाइम टेबल, आपके ग्रुप में भी शेयर होगा लेकिन आप वहां से भी देख सकते हैं, और हॉल टिकट आपके मेल पे है। प्रिंसिपल सर भी ज्वाइन किया मैडम। और क्या क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है? एक प्रिंसिपल सर को भी सुन लेते हैं हम लोग। जी सर, आई वेलकम आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आफताब अहमद शेख सर। सर है जॉइंड अस, काइंडली अनम्यूट सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गाइड अवर स्टूडेंट्स सर, ओनली SYBCOM स्टूडेंट्स हैव बीन कॉल्ड, ओके ओके। फ्रॉम टुमारो देयर इज एग्जामिनेशन। पेरेंट्स पेरेंट्स भी ज्वाइन किए, सभी पेरेंट्स हैं? यस सर, पेरेंट्स को भी बोला है साथ में ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके, चलो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद, पेरेंट्स का भी शुक्रिया। देखो हम लोग वकील सर और कॉमर्स डिपार्टमेंट, नसरीन मैडम और सभी जो हमारे टीचर्स है, ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को एग्जाम के वक्त कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हजारों लाखों स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है और एक स्टूडेंट को भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो हमको कॉल करता है, कॉन्टेक्ट करता है, हम उसको हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दूसरे के लिए काम करते रहते हैं और कोई एग्जाम लेते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो वकील सर और नसरीन मैडम और ये जो पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप ने जो इनिशिएटिव लिया है कि स्टूडेंट्स को आने वाले जो प्रॉब्लम रहेंगे उसके एग्जाम में, वो प्रॉब्लम स्टूडेंट खुद अपने बेस के ऊपर कैसा सोचता है और उसका जो एक अपॉर्चुनिटी उसको जो मिली हुई है ऑनलाइन के माध्यम से, यानी एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आज हमारे सभी स्टूडेंट के लिए। हम तो ये कहेंगे कि आज जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तुम्हारे दोस्तों में अगर तुमको मालूम है कि हमारा दोस्त नहीं आया, तो उसको भी आज जो जो बातें यहाँ पर होगी वो भी आप लोग बताओ, और कोशिश करो कि इस साल एक भी पेपर बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, एक भी पेपर के लिए हम लोगों ने लेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे आप लोग सब लोग एग्जाम दे दो। जितने भी माँ बाप यहाँ पे हमको सुन रहे, वो सब लोग को हमारी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को पहला एग्जाम देने के लिए लगाओ, एग्जाम और फिर बाद में दूसरा काम। कोई घर में बीमार है कुछ है तो भी उतना एक घंटा उसको निकालने को बोलो और उसको एग्जाम देने को बोलो। बीमार आदमी कल ठीक भी हो जाता लेकिन हमारी एग्जाम आगे जाके प्रॉब्लम कर देती। तो मुझे ये कहना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम जो बहुत बीमार है सब कुछ है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता भी है तो उसको ग्रीवेंस कैसा करना है, आपके इधर क्या प्रॉब्लम था वो यूनिवर्सिटी को कैसा बताना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आज आप लोग को मिल जाएगी। वकील सर थैंक यू वेरी मच, नसरीन मैडम, पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट और जितने भी पेरेंट्स आज यहाँ पे ज्वाइन किए, स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए, एक भी स्टूडेंट किसी का भी बैकलॉग इस एग्जाम में रहना नहीं चाहिए। इतना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम करने का, इसको आप लोग निकाल लो, आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर पूरा 100 हो गया अपना, जो फुल अकाउंट हो गया। वी हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एंड वी विल मेक द रिकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। या बहुत अच्छी बात है, तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, तो स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चन आए स्टूडेंट की तरफ से कि जो ईमेल से लॉगिन करना है वो मेल नहीं आया। आपको मेल से लॉगिन नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाके आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना है, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अपना टाइम खत्म हो गया 45 मिनट्स का। सो इफ द मीटिंग इज एंडेड ऑल द स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन अगेन। मीटिंग खत्म होने के बाद उसी लिंक से आपको ज्वाइन वापस से करना है सभी स्टूडेंट को। अकाउंट्स का पेपर भी MCQ में होगा क्या? यस,
अकाउंट्स का पेपर भी एमसीक्यू में होने वाला है, ठीक है? और जैसा आपने मॉक एग्जाम दिया था वैसे आपका एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन का समझ, ठीक है? अच्छा, एग्जाम रीस्टार्ट कर सकते क्या, ऐसा पूछे तो? एग्जाम रीस्टार्ट नहीं कर सकते आपको, जो लॉगिन करने के बाद उसी एक घंटे के अंदर एग्जाम देना है। हॉल टिकट जिसको नहीं मिला तो हम लोग ग्रुप के ऊपर हॉल टिकट डाल देंगे, ठीक है? मैडम से लिखे, अगर कोई 9:05 पे ज्वाइन किया तो उसको 55 मिनट मिलेगा। नौ फॉर एग्जाम्पल 9 से 10 का टाइम है तो 10 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, वो टाइम में ही आपको लॉगिन करना है, ठीक है? आपको सब सेटिंग वगैरह उसकी कैमरा वगैरह परमिशन देना है सेटिंग में जाके, ठीक है? तो वो सब देखना है आपको। थैंक यू नाजमा मैडम, आप ज्वाइन किए। और सुवन आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है? आपके जो टीचर लोग हैं उनको भी दे सकते हैं। हम लोग आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप लोग यू कैन राइट योर कमेंट्स। हम जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वी विल मेक इट ओपन। माइक ऑन रखना है क्या? माइक की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, सिर्फ वो रहता है। नाजिमा मैडम है क्या? नाजिमा मैडम आपका अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आप देखेंगे मुझे। ठीक, आपको अनम्यूट करते रहेंगे ना। ठीक है, अटेंडेंस भी भेज दूंगा मैं आपको, आज का अटेंडेंस भी देना है और इसका वीडियो जो है हम लोग शेयर करेंगे। एक शॉर्ट में मैडम ब्रीफ में बता दो ना वापस से, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ कि एग्जाम कैसे देना है इनको, एक ब्रीफ में आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा मैडम। एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। प्लीज अनम्यूट कीजिए मैडम। फिर से बोलोगे सर? हाँ सर, एग्जाम कैसा हुआ इनका एक शॉर्ट में, एक दो मिनट में? एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है, एमसीक्यू पैटर्न है, 60 क्वेश्चंस आएंगे आपको, बेस्ट 50 आपके काउंट होंगे। आपको एक घंटा एग्जाम है, एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो ऑप्शंस में से आपको ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है आपको क्लिक करना है। और इनको कोई भी लिंक आने वाला नहीं है, वो वेबसाइट के ऊपर जाके हमने जो शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके, वो यूजर आईडी इनका क्या रहेगा, पीआरएन नंबर इनका यूजर आईडी रहेगा? हाँ, यूजर आईडी इनका पीआरएन नंबर है और पासवर्ड जो है पुणे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, 4 digits, सीट नंबर अलग है आपका और पासवर्ड अलग है। अच्छा, जैसे उन्होंने मॉक का एग्जाम दिया था वही उनको यूजर आईडी पासवर्ड रहने वाला है? हाँ, जो यूजर आईडी आपने मॉक में यूज किया था वही यूजर आईडी पासवर्ड आपका है, बार बार वो चेंज नहीं होता है। और आपको एग्जाम के लिंक जो है वो आपको खुद को यूजर लिंक डाल के और ये करना है, आपको कोई ग्रुप पे लिंक नहीं आएगी, आप लोग वेट करते हैं उसके लिए और आपका एग्जाम का टाइम निकल जाता है। तो sppuexam.in जो आपकी लिंक है उस पे आपको क्लिक करके और एग्जाम देना है। पासवर्ड कैसे आएंगे, स्टूडेंट को पूछने पासवर्ड कब आएगा, कैसे है? पासवर्ड आपको आपके मेल पे आया है, आपको 4 ऑप्शन दी हूँ मैंने, एक आपके मेल पे आएगा, दूसरा नहीं तो आपका जो आपने फॉर्म में फिल किया है नंबर, आपका मोबाइल नंबर उस पे आएगा, तीसरा आपको आपके लॉगिन में देखना है, एग्जाम फॉर्म का लॉगिन है पुणे यूनिवर्सिटी का जिसपे आपने फॉर्म भरे थे आधार नंबर वगैरह डाल के, वो उस पे आपको चेक करना है, उस पे आपके डैशबोर्ड पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड और लिंक तीनों चीजें आएंगी। और अगर इस पे भी आपको नहीं जमता है तो फिर आप मुझे कॉल करो, मैं आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट डाल के आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको दूंगी, लेकिन एक दिन पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आप एग्जाम के 2 या 3 मिनट पहले कॉल करेंगे तो मैं पॉसिबल नहीं है, मैं हर एक को बता सकूंगी। सो प्लीज एक दिन पहले यूजर आईडी पासवर्ड लिंक वगैरह देख के रखिए एग्जाम के। माइक ऑन रहेगा क्या, कुछ फ्रेंड ने पूछा है, माइक जो रहता हूं इसमें कुछ माइक का सिस्टम है कि एग्जाम में कैमरा तो ऑन रहेगा उनका?
ऑडियो वीडियो माइक सबकी परमिशन आपने दे के रखनी है ऑलरेडी, क्योंकि कभी कभी हर एक चीज में कुछ काय में भी अटक जाता है वो, ऑडियो दिए तो वीडियो क्यों नहीं है सब में, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गूगल सेटिंग में ऑडियो वीडियो माइक सबकी ऑप्शंस दे के परमिशन दे के रखिए आप लोग, तो वो कैमरा बराबर कैप्चर करता है आपका फोटो और फिर एग्जाम स्टार्ट होता है। टाइम टेबल वापस से शेयर करेंगे हम, तो वो टाइम के पहले आपको एग्जाम के लिए बैठना है। कुछ बच्चे अपने सो गए फिर बाद में बोले कि मैं तो सो गया मैं रोजा था, ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन। एक बार टाइम निकलने के बाद आपका री एग्जाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, सो प्लीज बी केयरफुल। आपको टाइम टेबल में बार बार बोल रही हूँ, आपको टाइम टेबल चेक करना है और टाइमिंग्स भी चेक करना है सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के हिसाब से। कॉलेज उसमें कुछ नहीं करेगा अगर आपका टाइम निकल गया, आपका बैकलॉग लग जाता है, आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा, इसलिए बी केयरफुल। जो लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं समझ में आया, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप खोल देंगे, मैडम का नंबर भी शेयर करेंगे, तो आज ही आप लोग अपना अपना बोल दो। चलेगा, जिसको नहीं है यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिसका हॉल टिकट आया है, यूजर आईडी पासवर्ड उसको ही मिलेगा। मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला और मैं जब हॉल टिकट चेक करती हूँ तो उन्होंने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा है। जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है उनके यूजर आईडी पासवर्ड्स नहीं आए हैं, सो प्लीज चेक के तुमने एग्जाम फॉर्म फिल किया या नहीं। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक दो मिनट बचे अपने 45 मिनट्स के, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आफताब अनवर शेख सर फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू नाजमा मैडम, आपने टाइम निकाले अच्छा सा गाइड किया हमको, तो स्टूडेंट लोग बेस्ट ऑफ लक। आपका कल से एग्जाम है, इससे पहले आप लोग तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए, और तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस मैं देता हूँ बाद में आपके ग्रुप पे, तो आपको उसका अटेंडेंस देना है। ओके, थैंक यू सर। अब मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं, अभी मीटिंग अपना काम हो गया, तो जो बोलना तो बोल दी। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर करेंगे आपको, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए हम लोग, वो लोग भी सुन सकते उसको और नोट कर सकते। थैंक यू वेरी मच, मीटिंग एंड करता हूँ मैं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलिए, हम लोग इवन ओपन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है नाजमा मैडम, थैंक यू, कुछ रहे तो हम आपको बोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।